अल्टीमेट शोडाउन के इस एपिसोड में डायनासोर युग के मॉन्स्टर को लेंगे और पता करेंगे कि ये मॉन्स्टर सच में पावरफुल है या नहीं। जहां हम स्कार कलर को टाइटन बोआ से कंपेयर करेंगे, जुरासिक वर्ल्ड 3 के गिगनोटोसोरस को जुरासिक पार्क 3 के स्पाइनोसोरस से करेंगे और लीजी को जुरासिक पार्क के सबसे खतरनाक डायनासोर मोसासोरस से करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप तीनों में से किसी एक का शोडाउन देखना चाहते हैं तो इस टाइमलाइन पर जाकर वह स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्कल क्रॉलर और टाइटन बोआ में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। कॉन्ग स्कल आइलैंड में 4 स्कल क्रॉलर दिखाए गए थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा था, जो 95 फीट लंबा था और 50 फीट ऊँचा था। तब इसी स्कल क्रॉलर को बैटल के लिए लेंगे। वहीं टाइटन बोआ की बात करते हैं तो यह लाखों साल पहले धरती पर एग्जिस्ट करता था, जिसका साइज बाकी एग्जिस्ट करने वाले सांप से बहुत ही बड़ा होता था, जिसके साइज को 50 फीट बड़ा बताया गया है और इसका वेट 1135 kg बताया जाता है। स्कल क्रॉलर का स्ट्रेंथ भारी भरकम कॉन्ग को माने जितना था और उसका मेन स्ट्रेंथ उसका लचीलापन और जबड़ा माना जाता है, जो बहुत ही फास्ट कॉन्ग से लड़ रहा था और उसका जबड़ा इतना स्ट्रांग है कि उसने कॉन्ग को बुरी तरह घायल कर दिया था। वहीं टाइटन बोआ का उसका स्ट्रेंथ या कह सकते हैं उसकी शक्ति उसका लंबाई और वेट है। यह एक बड़ा सांप है तो वह अपने दुश्मन को कुंडली में जकड़ कर मारने की कोशिश करता है, ठीक वैसे जैसे वारपैट ने कॉन्ग को मारने की कोशिश की थी। यह अपने शिकार के बॉडी को जकड़ लेता है और उसका दम घोटने के साथ उसके हड्डी का कचूमर करने की कोशिश करता है ताकि उसे मारने के बाद उसे खा सके। इन दो मॉन्स्टर के ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो स्कल क्रॉलर बहुत ही ड्यूरेबल है, जिसे कॉन्ग द्वारा चट्टान से मारने पर, पेड़ को उखाड़ कर मारने पर कुछ नहीं हुआ था। कॉन्ग ने उसे बोट प्रोपेलर से भी मारा था, फिर भी वह जाग गया था। वहीं टाइटन बोआ एक प्रेहिस्टोरिक स्नैक है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, फिर भी यह बाकी सांप के मुकाबले ज़्यादा ही ड्यूरेबल होगा। तो अब सवाल आता है कि इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर ये दोनों आमने सामने हो तो दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश करेंगे मारने की। इसका कारण टाइटन बोआ को अपने जबड़े से काट कर मारने की कोशिश करेगा, वहीं टाइटन बोआ स्कल क्रॉलर को जकड़ कर मारने की कोशिश करेगा। लेकिन टाइटन बोआ शायद ही स्कल क्रॉलर को जकड़ कर मार पाए, क्योंकि टाइटन बोआ 50 फीट लंबा है, वहीं स्कल क्रॉलर 50 से 60 फीट ऊंचा है, तो उसके गले का साइज 45 से 50 फीट हो सकता है। यानी कि टाइटन बोआ उसके गले को ठीक से लपेट नहीं सकता, जिससे उसे जकड़ कर मार सके, क्योंकि टाइटन बोआ किसी भी दुश्मन को तभी मार सकता है जब उसके बॉडी को पूरी तरह जकड़ ले। तो यहाँ पर तो स्कल क्रॉलर का हाइट ही उतना बड़ा है जितना कि टाइटन बोआ का साइज है, तब टाइटन बोआ यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। वहीं स्कल क्रॉलर का जबड़ा 75 फीट तक खुलता है, तो स्कल क्रॉलर चाहे तो उसे सीधे निगल सकता है या फिर अपने जबड़े से टुकड़े टुकड़े कर निगल सकता है। तो इसमें क्लियर विनर स्कल क्रॉलर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब जानते हैं कि गिगनोटोसोरस और स्पाइनोसोरस में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। गिगनोटोसोरस को जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया गया था, जो 50 फीट लंबा एक खूंखार डायनासोर है, जिसने कुछ ही समय में टीरेक्स को मार दिया था। वहीं स्पाइनोसोरस को जुरासिक पार्क 3 में दिखाया गया था, जो 43 फीट लंबा एक डायनासोर है और इसने भी कुछ ही समय में टीरेक्स को मार दिया था। गिगनोटोसोरस के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, जो एक ही बार में किसी भी डायनासोर के मांस को उखाड़ सकता है। वहीं स्पाइनोसोरस के दांत पतले और लंबे होते हैं और इसकी बॉडी में लंबी फिन निकली होती हैं। इन दोनों का मेन वेपन उसके जबड़े ही हैं। गीगा का जबड़ा इतना खतरनाक है कि उसने कुछ ही समय में टीरेक्स को मार दिया था। वहीं स्पाइनोसोरस ने टीरेक्स के गले को जकड़ कर उसे कुछ ही समय में मार दिया था। गिगनोटोसोरस को मुई में 2 टीरेक्स से लड़ते हुए दिखाया गया था और आपको पता ही होगा कि टीरेक्स सबसे खूंखार डायनासोर है। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो यह टीरेक्स जितना ड्यूरेबल है और फास्ट है, वहीं स्पाइनोसोरस भी बहुत ही ड्यूरेबल है और फास्ट भी है। और यह एक ऐसा डायनासोर है जो जमीन और पानी दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। तो अब सवाल है कि इन दोनों डायनासोर में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर इनकी फाइट होती है
तो ये अपने दुश्मन के गले को जकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। जुरासिक वर्ल्ड मूवी में गीगा को इतना खतरनाक बताया गया है कि मांस खाने के लिए टीरेक्स इससे सीधा नहीं भिड़ता, वह वहां से भाग जाता है और लास्ट फाइट में टीरेक्स एक और डायनासोरस की मदद से जीतता है, यानी कि अकेला टीरेक्स गीगा को नहीं मार सकता है। वहीं स्पाइनासोरस ने टीरेक्स को मारा है पर उसे उतना खतरनाक नहीं बताया गया है और स्पाइनासोरस का बाइट फोर्स और स्फूर्ति कम है गीगा के मुकाबले, तो मेरे ओपिनियन से इसमें भी नर गीगा होगा। अब सवाल है कि लीजी और मोसासोरस में कौन सबसे खतरनाक वाटर मॉन्स्टर है। लीजी को दिखाया गया था रैम्पेज मूवी में जो एक मगरमच्छ होती है, लेकिन एक अननोन गाय सूंघने के बाद उसका स्ट्रेंथ साइज और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं मोसासोरस जुरासिक वर्ल्ड मूवी में दिखाया गया था जो पानी में रहने वाला एक डायनासोर है जिसका मुंह का साइज इतना बड़ा है कि इंडोमाइनस रेक्स को वह सीधे निकल जाता है। वह गीगा और टीरेक्स जैसे डायनासोर को भी वह सीधे निकल सकता है जो सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता है। वहीं लीजी इतना खुखार है कि उसने एक ही बाइट में राल्फ के सर को अलग कर दिया था जो एक बड़ा सा उल्फ था, और दोनों ही मॉन्स्टर का असली ताकत इनका जबड़ा है। एक जबड़े से सबमरीन बड़े बड़े डायनासोर को निकाल सकता है, वहीं लीजी सीप और जायंट उल्फ को निकाल सकता है। लीजी इतना ड्यूरेबल है कि उसके ऊपर टैंक्स और मिसाइल से हमला करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसके ऊपर बिल्डिंग भी गिर गया था तब भी वह सर्वाइव कर गया। वहीं मोसासोरस की ड्यूरेबिलिटी को ठीक से बताया नहीं गया है पर वह एक डायनासोर प्रजाति का है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा ही हो गई। तो अब सवाल उठता है कि कौन जीतेगा। तो देखो कि मोसासोरस के लीजी की तरह हाथ पैर नहीं है, वह सिर्फ पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है और वहीं फाइट ले सकती है, इसलिए वह फाइट पानी के अंदर होगी क्योंकि लीजी मगरमच्छ है तो वह दोनों जगह रह सकती है और फाइट ले सकती है। लेकिन इनका मेन कंपेरिजन बाकी है जो है इनका साइज। जुरासिक वर्ल्ड फर्स्ट में मोसासोरस को 120 फीट लंबा दिखाया गया था, लेकिन जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया गया था तब वह 180 फीट लंबा हो गया था और इसका चौड़ाई 32 फीट हो गया था। वहीं लीजी को 250 फीट लंबा दिखाया गया है और 70 फीट ऊंचा दिखाया गया है, तो मोसासोरस के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है और लीजी का बाइट फोर्स और उसके जबड़े बहुत ही खतरनाक है। तो मेरे ओपिनियन से इसमें भी नर लीजी होगी क्योंकि लीजी एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है और उसके जबड़े और बाइट फोर्स इतना खतरनाक है मोसासोरस को एक ही बार में फाड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप अल्टीमेट शोडाउन के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।